हाँ जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा दोस्तों सी पर कोर्ट केस चल रहे हैं बहुत सारे उनमें से आज एक केस की सुनवाई थी तो उसका क्या हुआ था वो तो मैंने दिन में बता ही दिया था अब उसका ऑर्डर भी जारी हो गया है और नेक्स्ट डेट भी आ गई है पहले तो मैं बता देता हूँ आपको शोर्ट में कि केस क्या था देखिए आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सभी पोस्ट आपको दिखाई नहीं गई थी यानी कि बहुत सारे साथी ऐसे थे जो पोस्ट अप्लाई नहीं कर पाई योग्यता होते हुए भी तो इसी चीज़ को लेकर केस चल रहा था और आज इसकी सुनवाई थी और इस केस के कारण ही रिजल्ट पर रोक भी लगी थी तो अब इसका जो ऑर्डर है वो जारी हो गया है देखिए क्या ऑर्डर आया है और पहली बात अब रिज़ल्ट के ऊपर से रोक हटा दी है ठीक है अब आप किसे के रिज़ल्ट आ सकते हैं यहाँ पर देखिए प्रशांत ढोल वर्स एच सी का एक केस था आज इसकी सुनवाई थी और यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या बताया गया है देखिए यहाँ पर जो उन्नीस पेटिशनर हैं आपके उनके लिए जो जिस जिस कैटेगरी में वो सीट चाहते हैं तो उन कैटेगरी में सीट रिजर्व रखती है उनकी ठीक है और जो जॉइनिंग है वो नेक्स्ट डेट हीरिंग के जो हीरिंग की नेक्स्ट डेट है उसके अनुसार उन उन्नीस लोगों को दी जाएगी यानी कि कोर्ट का मामला अभी भी बचा हुआ है कोर्ट ने बस आ, प्रोविजनली उनको अलाउड कर दिया है कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा उसके अनुसार इन चीज़ों को देखा जाएगा ठीक है और यहाँ पे उन्नीस पोस्ट है वो रिजर्व रखती है मुख्यतः बात यही है और इस केस की अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी अब बीच में आ, सरकार या एच से रिजल्ट निकाल सकती है उसकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इन बच्चों के लिए क्या है उन्नीस सीट रिजर्व रख ली है ठीक है जी जिन बच्चों ने कोर्ट केस कर रखा था ना उनकी सीट रिजर्व रख ली है उनको आगे के प्रोसेस में शामिल कर लिया गया है और अब कुछ बच्चे बोलेंगे इनका एग्जाम दोबारा लगे क्या एच एस एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं किसी ना किसी दूसरी कैटेगरी में उस ग्रुप के लिए इन बच्चों ने एग्ज़ाम दे रखा है तो ग्रुप का एग्ज़ाम दे रखा है तो उस ग्रुप में एक पोस्ट और बस एक् हो जाएगी भाई हाँ इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया हुआ बस ऐसा माना जाएगा इसका कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो सी पर अब रोक नहीं है मेंस के रिजल्ट आ सकते हैं एच एस एस चाहे हरियाणा सरकार चाहे तो और बहुत जल्दी आपके रिज़ल्ट वो आएंगे भी बहुत जल्दी ठीक है तो ये थी अपडेट दोस्तों छप्पन स्थान का भी नहीं आएगा छप्पन स्थान पे केस स्पेशल अलग से कोर्ट केस चला हुआ उसकी सुनवाई अप्रैल में है दोस्तों ठीक है तो ये थी दोस्तों अपडेट आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद भगवान करे आप सभी का समय शुभ